बड़ी खबरों की ओर ले चलते हैं। बताते चले 2015 से विधानसभा व लोकसभा मतदान से वंचित है पिपरा खुर्दा के ग्रामीण बलिया में, जहां जनपद में फेफना विधानसभा अमरिया गांव में एक मामला सामने आया। क्या नाम है आपका? प्रवीण कुमार यादव सर। कहाँ के रहने वाले हैं? पिपरा खुर्द में। क्या समस्या है सर? हमारा समस्या है कि हम लोग लोकसभा विधानसभा का चुनाव 2017 और 2019 में नहीं दिए थे, और हम लोग चाहते हैं कि इस बार भी चुनाव वोट दें, तो नहीं दे पा रहे हैं। नाम नहीं चढ़ा हम लोग का, पूरा नाम काट दिया गया है 2015 से ही, और 17 में भी नहीं दिए थे, 19 में भी नहीं दे पा रहे हैं। क्यों नहीं दे पा रहे हैं, क्या वजह है? सर वजह तो BLO का ही है, और जाते हैं वोटर लिस्ट में नाम चढ़वाने के लिए तो कोई सुनाई नहीं हो पाता है। इससे पहले आप किस ग्राम सभा में थे? छतवा में थे सर, तो वहाँ पे हम लोग थे तो वोट दिया जाता था, जाते थे घर के परिवार वोट देने के लिए। जब से अमडरिया गए तब से हम लोग का नाम काट दिया गया है। तो कब से अब अमडरिया में आपके गांव मर्ज हुआ है? सर हो गया तो 2017 से पहले ही हुआ था वहाँ पे जी। हाँ, और यहाँ पे नहीं कोई वोट नहीं दे तो इसके लिए क्या प्रधान से या किसी उच्च अधिकारियों से संपर्क किए हम लोग? हाँ, शिकायत तो हुआ था जी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक। नहीं हो रही है जी। तो क्या लगता है कि इस बार भी चुनाव मतदान आप लोग दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे? अभी इसके बारे में बता नहीं सकते हैं, लेकिन प्रयास तो किया जा रहा है कि इस बार। तो कितनी बार से आप लोग वंचित हैं मतदान करने से? दो बार से सर वंचित हैं। दो बार से? 2017 में भी नहीं दिए थे, 2019 में भी नहीं दिए थे। क्या नाम है आपका? ठाकुर जी यादव जी। ठाकुर जी कहाँ के रहने वाले हैं? जी पिपरा खुर्द से। पिपरा खुर्द, कौन सा ये ग्राम सभा है? ग्राम सभा अमडरिया है जी। क्या मामला है? आप लोग जिला अधिकारी तक पत्रक दिए हैं, वजह क्या है? मामला ये है कि पहले हम लोगों का ग्राम सभा छतवा में था, और न्याय पंचायत हम लोगों का अमडरिया है, जिसमें विधानसभा का चुनाव आया उसमें भी हम लोगों को नाप चढ़ाया नहीं गया, काटा गया, और फिर लोकसभा का चुनाव आया 2019 वाला उसमें भी, 2015 वाला उसमें भी काटा गया, और 2019 वाला भी काटा गया जी, और आज तक चढ़ नहीं पाया। ये लोग जो है सब लोग एप्लीकेशन देते देते जिला कलेक्टर के पास जो है थक गए हैं जी। यह ग्राम सभा पहले कहाँ थी, किस ग्राम सभा में मर्ज थी? पहले ग्राम सभा छतवा था जी। 2015 का जब परसीमन आया तो उसमें कट कर अमडरिया चला आया जी, और छतवा नगर पालिका में रक्षण में चला गया जी। तो आप कब से वंचित हैं मतदान करने से? 2015 से जी। तो क्या इसकी शिकायत किसी उच्च अधिकारियों से किए थे आप लोग? शिकायत करते करते हम लोग थक गए हैं जी। अभी 2022 का चुनाव आ रहा है, घोषणा भी हो चुकी है, तो क्या लगता है कि इस बार भी आप लोग मतदान से वंचित रहेंगे या मतदान करेंगे इस बार? मतदान हम लोग करना चाहते हैं, मगर वंचित रखा गया है, कटा गया है और चढ़ा नहीं जा रहा है जी। तो इसके लिए तो जिला प्रशासन से लेकर निर्वाचन आयोग पूरी तरह से तैयारियां की है, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि मतदान कराया जाए, मतदान लोग अधिक से अधिक संख्या इसमें बढ़े मतदान करने के लिए। मतदान हम लोग देने के लिए तैयार हैं, बशर्ते हम लोगों को वंचित किया जा रहा है और इसमें हम लोगों को जोड़ा जाए। यह जो पिपरा खुर्द है, क्या संख्या होगी, कितनी संख्या होगी यहाँ पे और कितने लोग वंचित हैं? कम से कम संख्या यहाँ 130 है जी मतदाताओं की जी, फिर भी आप लोगों को वंचित किया गया है? वंचित किया गया है। क्या इसमें कोई BLO आते हैं नाम चढ़ाने के लिए, कोई या प्रधान या कोई भी अधिकारी यह का जो पुरवा है मतदान से वंचित है? BLO आए थे जो है चढ़ाने के लिए, तो इसमें जो है कहे कि हम लोग नहीं चढ़ाने देंगे, यहाँ मंत्री जी का कुछ प्रमाण है, वहाँ चढ़ाने नहीं देते हैं कि यहाँ नहीं चढ़ेगा अमडरिया में, जबकि बहुत पहले से पिपरा खुर्द का न्याय पंचायत अमडरिया है जी। किस मंत्री के दबाव में वो काम कर रहे हैं? उपेंद्र तिवारी के दबाव में। आपका? कमलेश यादव। कमलेश कहाँ के रहने वाले हैं? पिपरा खुर्द। क्या समस्या है आप लोग? समस्या ये है कि यहाँ पर हम लोग पहले छतवा ग्राम सभा में थे, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग का नाम जो कि अमडरिया में चला गया है, और प्रधानी चुनाव में हम लोग यहाँ पे अमडरिया में वोट किए भी हैं, लेकिन विधानसभा और लोकसभा में हम लोग का नाम काट दिया गया है, जिसको लेकर के हम लोगों ने DM, SP, DM और SDM और BLO से भी कई बार मिल चुके हैं। BLO जो है कि कुछ किसी के दबाव में या मंत्री के दबाव में आकर के ऐसा कर रहे हैं। किस मंत्री के दबाव में और कौन BLO हैं,
मंत्री तो यहाँ पे उपेंद्र तिवारी हैं तो उन्हीं के दबाव में हैं, और कुछ कास्टिज में से भी वो ग्रसित हैं बीएलओ जी। तो क्या नाम है बीएलओ का? सर बीएलओ का नाम तो अभी हमको बता नहीं पाएंगे, कोई राय साहब हैं जी। जी कहाँ के रहने वाले हैं राय साहब? एरिया के हैं, मुकेश राय की पत्नी है। अच्छा, राय की पत्नी। तो वह कभी आती हैं यहाँ पे लोगों को जागरूक करने के लिए या नाम जोड़ने के लिए? आना तो सर दूर की बात है, खुद लोग यहाँ के, हम लोग वहाँ उनके पास जाते हैं तो वो सुनती नहीं है। उनका कहना है कि अनुभाग चेंज नहीं हुआ है तो हम नाम नहीं चढ़ाएंगे जी। और छतवा ग्राम सभा में हम लोग भी चाहते हैं कि अगर वहाँ भी चढ़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी हम लोग का नाम चढ़े जी। तो आप लोग ये दो बार विधानसभा का और एक बार लोकसभा का जो चुनाव है आप लोग बंद कर चुके हैं, मैंने को मतदान नहीं किए हैं। 2017 में भी हम लोग वोट नहीं किए हैं और 2019 में भी नहीं कर पाए हैं जी। इसमें प्रयास कर रहे हैं कि चढ़ जाए तो वोट कर लें, जबकि मतदान करना सबका अधिकार है। 1950 पे हम लोगों ने फोन भी किया था। ग्राम सभा की संख्या क्या होगी? ग्राम सभा की संख्या सर 200 से ऊपर है, लेकिन यहाँ पे 130 के करीब हम वोटर हैं। क्या नाम है आपका? रामदयाल। कहाँ के रहने वाले हैं? पिपरा खुर्द। क्या मामला है रामदयाल जी यहाँ पे? यहाँ पर नाम चढ़ने लोग नहीं देते हैं, अंदरिया के बीएलओ जो है चाहती है कि अंदरिया में न चढ़े, छतवा में चढ़े जी। आखिर ऐसा क्यों, जब आप लोग अंदरिया में मर्ज हो गया, आपका गाँव आपका पुरुआ अंदरिया में मर्ज है, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? परसीमन के हिसाब से आ गई थी अंदरिया में जी। पहले कौन किस ग्राम सभा में था? छतवा ग्राम सभा में। छतवा में था तो आप लोग कब से मतदान से वंचित हैं? 3-4 साल हो गए जी। तो क्या बीएलओ या कोई अधिकारी नहीं आते हैं जांच करने के लिए कि इस गांव के लोग क्यों मतदान से ना वेली अंदरिया के एजा एजा के वह बीएलओ गाड़ी जी। प्रधान से नहीं शिकायत करते हैं इसकी या किसी उच्च अधिकारियों से? प्रधान से शिकायत करते हैं इसकी? क्या बोलते हैं प्रधान जी? कहते हैं कि चढ़ी नहीं, ना चढ़ी नहीं चढ़ेगा। उच्च अधिकारियों से भी संपर्क किए थे आप लोग? कोई दरखास्त दिया गल फिर भी नहीं हो रहा है ना। तो क्या लगता है कि आपकी शिकायत देने के बावजूद भी अभी तक नहीं आप लोगों का नाम जोड़ा जा रहा है? दबाव के वजह से। किसके दबाव की वजह से? कौन है जिसका दबाव में अधिकारी रह रहा है? अंदरिया के बीएलओ। अनूप यादव। अनूप कहाँ के रहने वाले हैं? जी मैं यहाँ पिपरा खुर्द। पिपरा खुर्द का क्या समस्या है? बहुत समस्या है, बहुत पहले से ही बीएलओ को जा रहे थे, पास में भी बोल रहे थे नाम चढ़ा दीजिए, ये लोग कुछ सुनता नहीं है। उपेंद्र तिवारी के दबाव में हम लोग का गांव का बहुत दिन से नाम वर्चित है, क्योंकि हम चाहते हैं इस बार 2022 के चुनाव में वोट देना चाहते हैं सभी गांव के लोग। यह जो पिपरा खुर्द है पहले कौन से ग्राम सभा में थी? छतों में। अब किस में हो गई? अब हम डरिया में हुआ, अब में 5 साल पहले से हुआ है जी। नहीं नहीं 5 साल ना। तो ये कब से आप लोग? 15 साल पहले। नहीं नहीं कब से आप ये मतदान नहीं कर रहे हैं इस ग्राम सभा? मतदान सर 17 में भी नहीं किए थे, 2019 में भी नहीं किए थे, और इस बार भी लग रहा है कि नहीं कर पाएंगे, वो चाहते हैं देना। और अच्छा देना चाहते हैं जी सर। तो क्या इसके इसके लिए कोई जागरूक करने वाली जो टीम है या बीएलओ है या ग्राम प्रधान है, आप लोग शिकायत नहीं करते हैं? शिकायत किए हैं सर, बट कोई सुनता नहीं हम लोग का, शिकायत करने के बावजूद भी। तो क्या आप लगता है कि इस बार के कभी जो मतदान है आप नहीं दे पाएंगे? नहीं, कोशिश तो पूरा है कि हम लोग चाहते हैं पूरा गांव का, यहाँ पर देख ही रहे हैं आप लोग सब लोग यहाँ। क्या संख्या होगी इस पूर्वे का? इस पूर्वे का संख्या 130 है, जिसमें वोटर हम लोग वोट देना चाहते हैं सभी लोग जी। संख्या संख्या क्या है? संख्या 200 से ऊपर है हमारे गांव का।